स्वागत है दोस्तों पावर पॉइंट के इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें मैं पावर पॉइंट में उपलब्ध वो तमाम टूल्स के बारे में बता रहा हूँ जो अक्सर पावर पॉइंट पर लोगों को समझ में नहीं आता है और न समझ में आने की वजह से बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हैं। तो इस क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्वर्ट टू स्मार्टा टूल के बारे में। कन्वर्ट टू स्मार्टा टूल होता क्या है? जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में कोई कैटेगरी आप दिखाना चाहते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में जो है आपका ये मदद करता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जैसे कि आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पे जाकर के आपको जो भी शेप डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उस डिज़ाइन को आप सिर्फ सेलेक्ट कर लें। आप उस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं गया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो है आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं लिखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करें, आप जो भी लिखेंगे वो ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, हेडलाइन के रूप में मिल जाएगा, हेडलाइन के रूप में जो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ कि मैंने पॉल्यूशन पॉल्यूशन टॉपिक पे जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन देखना हूँ, दो दो पॉल्यूशन में मैं दो हर ये जो टॉपिक मुझे मिला है इसके बारे में दो दो चीज़ें मुझे बतानी है। पॉल्यूशन हो गया, दूसरा हो गया पॉपुलेशन, दूसरा टॉपिक पॉपुलेशन है, तीसरा जो है वो है पॉवर्टी है। तो ये जो भी टॉपिक जो यहाँ पर दिए गए हैं इनके बारे में मुझे डिटेल में दो दो ऑप्शन इनके बारे में लिखना है। तो आगे जो है आपको दिख रहा है कैटेगरी, यहाँ पर आप टाइप करें, यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर भी टाइप करें तो पॉल्यूशन में आप दो ऑप्शन लिख सकते हैं, पॉपुलेशन में आप दो ऑप्शन लिख सकते हैं, पॉवर्टी में जो है आप दो ऑप्शन लिख सकते हैं पॉवर्टी में जा करके। तो ये चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो कैटेगरी में किसी चीज़ को अगर आप वर्गीकरण में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उस केस में जो है आपका ये स्मार्ट आर्ट मदद करता है। एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आपने मैटर लिख दिया, अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे आप चेंज करना चाहते हैं, तो अब तो भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका क्या होता है मैं इसे आपको बताऊँगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसको ले लिया, पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने इसको, ठीक है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं या फिर हम इसको बनाते हैं, आप बॉर्डर पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऊपर मेन्यू खुल जाते हैं, एक डिज़ाइन का खुल जाता है और एक खुल जाता है फॉर्मेट का, दो ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आप जब डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे तो डिज़ाइन मेन्यू में जा करके जो है आप यहाँ पर आप क्लिक करें और इनमें से जो भी अगर आप लेते हैं, जैसे हमारे आप इसे लेते हैं, आप देखिए वो चेंज हो रहा है नीचे, आप इसे लीजिए आप इस तरह से चेंज हो गए। आप जिस किसी को लेंगे अपने आप जो है मैटर आपका रहेगा लेकिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए पॉल्यूशन पॉपुलेशन पॉवर्टी दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो है ऑप्शन आपका मैटर नहीं गायब होगा, बस डिज़ाइन चेंज हो जाएगी, उसका लेआउट जो होगा जो उसकी डिज़ाइनिंग होगी वो चेंज हो जाएगा, मैटर आपका रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन मैं आपको बताया कि कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इसका इस्तेमाल पावर पॉइंट पर कभी भी कैटेगरी दिखाना हो आपको, कैटेगरी में चीज़ों को दर्शाना हो कि पाँच प्रकार के होते हैं और पाँचों को एक खूबसूरत बॉक्स में दिखाना हो, या कोई चीज़ आप बता रहे हैं कि चार प्रकार के होते हैं तो उन चारों प्रकारों को अगर आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन में दिखाना हो तो स्मार्ट आर्ट में जाते हैं, जो आपको यहाँ पर पैराग्राफ में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, धन्यवाद।